नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम के 6:50 के उपरांत या 3 बड़ी भयंकर घटना हर हाल में होकर रहेगी। अगर यह बात गलत हुआ तो पूरे 20 लाख इनाम दूंगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि दिसंबर महीना जाते जाते यह भयंकर घटना हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह घटना आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा चमत्कार करने जा रहा है, जो आपने अपने जीवन काल में कभी सोचा नहीं होगा। ऐसी खुशखबरी आपकी किस्मत में यह देने वाला है। बस हम आप सभी को बता दें कि पूरे अधिकारी के साथ आप आज के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। जी हां दोस्तों, आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलेगी, आपकी दुश्मन की होश उड़ जाएंगे, घर परिवार में खुशियों से सब झूलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी वह सपने सच होने जा रहा है जिनके लिए आप मेहनत करते आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, कौन से क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होंगे, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी है इसमें आपकी किस्मत में आने वाले। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं और आपकी धन संपत्ति को लेकर, रुपए पैसे को लेकर जो भी समस्याएं जीवन में चल रही हैं, समस्याएं या पूर्ण रूप से समाप्त होने जा रहे हैं तो कौन सी है। यह 3 महत्वपूर्ण घटनाएं और किस रास्ते से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगे, इन सब बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आई हैं यह बेहद ही खास है। यह आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। आपके लिए हीरे मोती समान है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस न करें। इस वीडियो का 11 भाग आपके जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि कुछ बात है जो आपको जानना बहुत आवश्यक है, आप उसे पूरी तरह से अनजान है, क्योंकि आपकी राशि के जातकों के अंदर एक विशेष गुण यह पाया जाता है कि आप लोग दूसरों को खुश करने की भावना में और निस्वार्थ भाव से कार्य करने की भावना में इतने खोए रहते हैं कि आप अपने जीवन के बारे में ठीक तरह से विचार नहीं कर पाते हैं, मंथन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आप उन बातों से चूक जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जीवन को बदलने के लिए आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वह महत्वपूर्ण बात भी बताने जा रहे हैं, उसे आपको जाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आपका जीवन खोखला ही रहेगा और खालीपन आपके जीवन में हमेशा बना ही रहेगा। हम आपके लिए दिन रात एक कर दे बहुत मेहनत करती हैं और आपके लिए जो सर्वोत्तम ज्ञान है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, वह लेकर आते हैं। बदले में आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करिए। शादी अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारी वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो भी ज्ञान हम आपको देते हैं, जो भी बातें हम आपको बताते हैं, वह बातें साधारण बातें नहीं हैं, उन बातों के बहुत बड़े ज्योतिषी और शास्त्रीय प्रमाण होते हैं। हम यूं ही किसी भी बात को आपको बताने नहीं लगते हैं, हम पहले खुद उन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं पर रखते हैं, फिर उसके बाद उन बातों के प्रभाव को भी जानते हैं। अभी हम आपको उन बातों को बताते हैं जो बातें हम आपको बताते हैं। उन बातों को यदि आप अपने जीवन में जस का तस उतार लेंगे तो आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता का प्रेम, आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले हम आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी बताते हैं। इस कहानी को जानने के बाद आपका जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा, अपने प्रति आपके विचार बदल जाएंगे। ये दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गुरु हुआ करते थे और उनके कुछ शिष्य हुआ करते थे। तो शिष्य की शिक्षा समाप्त हो चुकी थी तो गुरु ने कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो चुकी है तो संपूर्ण शिष्यों को अब आश्रम से विदा होना होगा, लेकिन इससे पहले हम आपकी एक आखिरी परीक्षा लेना चाहते हैं। उसी से राजी हो गए तो गुरु ने कहा
कि अगले दिन सभी आश्रम के बाहर इकट्ठे होंगे और एक दौड़ का आयोजन किया जाएगा और जो व्यक्ति दौड़ से वापस से पहले आएगा वही विजेता होगा और उसे हम अपनी तरफ से कुछ पुरस्कार भी देंगे। तो सभी से अगले दिन इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी दौड़ शुरू करें। तो जब दौड़ शुरू करी तो सभी से एक साथ वहां से दौड़े थे और गुरुजी वहीं आश्रम के बाहर बैठकर उस दौड़ को समाप्त होने का इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद जब संपूर्ण से एक एक करके आश्रम में वापस आने लगी, एक जगह एकत्रित हो गए तो गुरुजी ने सबसे पूछा कि बच्चों, तुम सबने दौड़ एक साथ शुरू की थी लेकिन अंत में सभी लोग अलग अलग क्यों आए हैं, एक साथ क्यों नहीं आई है? तो शिष्यों ने बताया कि गुरुजी जब हमने दौड़ शुरू की तो हम सब एक साथ ही तोड़ रहे थे, तमाम तरह के रास्तों से होते हुए हम दौड़ को समाप्त करने जा रहे थे, तभी राष्ट्रीय में गीत सुनाइए। सुरेंद्र अंधेरी थी और सुरंग में कंकड़ पत्थर बहुत पड़े हुए थे जो पैरों में छुप रहे थे, तो इस वजह से कुछ लोग उन कंकड़ पत्थरों से बचते हुए निकलने की को इतनी देर से आए और कुछ लोगों ने उन कंकड़ पत्थरों को अपने थैले में रख लिया ताकि दूसरों के पैरों में वह कंकड़ पत्थर न चौबे, और कुछ लोगों ने उन कंकड़ पत्थरों की परवाह नहीं की और अपने पैरों को भी जख्मी करते हुए तेजी से दौड़ते हुए निकल गए, तो वे जल्दी आ गए। ये कहानी सुनने के बाद गुरुजी ने कहा कि अब उनके शिष्यों को आगे बुलाओ जिन्होंने उन कंकड़ पत्थरों को अपने थैलों में रख लिया था कि दूसरों के पैरों में वह कंकड़ पत्थर नाचोगे। तो उनसे शो को आगे बुलाया गया और उनसे कहा गया कि तुम अपने ख्यालों में रखे हुए कंकड़ पत्थर को सामने निकाल दो, गुरुजी के सामने रख दो। तो उन लोगों ने रखा तो जैसे ही उन्होंने को कंकड़ पत्थर गुरुजी के सामने रखे, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी दोस्तों को कंकड़ पत्थर असल में कीमती हीरे मोती थे। असल में गुरुजी ने जिस प्रतियोगिता का आयोजन किया था वह कोई दौड़ प्रतियोगिता नहीं थी। दोस्तों, शिष्यों के मन को टटोलने की एक व्यवस्था थी। गुरुजी ने जानबूझकर बच्चों को उचित सुरंग में भेजा जिसमें खूब अंधेरा था और रास्ते में तमाम कंकड़ पत्थर डाले हुए थे, लेकिन असल में वो कंकड़ पत्थर खजाना था जिसमें कि हीरे मोती थे। लेकिन इस शो को यह बात पता नहीं, लेकिन गुरु को यह बात पता थी। जिन बच्चों के मन में निस्वार्थ भाव से सेवा करने का अभाव था, उन्होंने उनका पत्थरों को अपने ख्यालों में रखा ताकि किसी और के पैर जख्मी ना हो जाए, और जिन्होंने दूसरों की परवाह नहीं की वे दौड़कर उस सुरंग से बाहर निकल गए, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं आया। लेकिन जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की, असल में उनके हाथ में हीरे मोती आए। इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग दूसरों की सेवा करने में, दूसरों को खुश करने में, निस्वार्थ भाव से मदद करने में विश्वास रखते हैं, भगवान उनकी झोली में हीरे मोती भर देते हैं। अब हो सकता है कि जीवन की दौड़ में ऐसे लोग थोड़ा पीछे रह जाएं, परेशान दिखाई दें, लेकिन असल में उनके कर्म के हीरे मोती उनके थैली में भरे हुए हैं जो उन्होंने स्वयं ही खट्टे किए हुए हैं। ऐसे लोग भगवान के बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जैसे कि वह शिष्य गुरु जी के बहुत अधिक प्रिय बन गए थे। ये जो कहानी हमने सुनाई आपको, ये असल में आपकी अपनी कहानी है, क्योंकि आपका भी स्वभाव तो यही है, आप भी तो सबको खुश करने में लगे रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके आसपास जो भी लोग हैं वह हमेशा प्रसन्न रहे, खुश रहे। इसके लिए आप बहुत मेहनत करती हैं। आप अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं लेकिन दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। असल में देखा जाए तो आप निस्वार्थ भाव से अपने रिश्तों को निभाते हैं, फिर बदले में चाहे आपको भले ही कोई सम्मान दिया, ना दे प्रेम मिले या ना मिले, इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है और आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, लेकिन एक बात अवश्य है कि आप मन से थोड़ा दुखी अवश्य रहते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में लगा रहता है कि आपकी इतनी मेहनत है, इतना प्रेम और संघर्ष को कोई समझ क्यों नहीं पाता है, क्यों लोग आपको वह सम्मान इज्जत प्रेम नहीं देते जिसके आपस में अधिकारी है। तो दोस्तों आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका जो निस्वार्थ भाव है उसे मानव बेशक ना देख पाए, लेकिन भगवान उसे अवश्य देख रहे हैं और आपकी झोली में कर्म के हीरे मोती आते जा रहे हैं। एक ना एक दिन वह अवश्य आएगा जो आपकी हर एक इच्छा,
हर एक मनोकामना निश्चित तौर पर पूर्ण होगी। आप जो भी कुछ अपने जीवन में चाहते हैं वह सब कुछ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आपको एक बात और कहना चाहते हैं कि आप अपने आराध्य पर आप जिसकी भी पूजा करें, वैसे तो आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि कभी कभी आपके मन में भगवान को लिखकर समझाएं उत्पन्न होने लगती है। कभी कभी आपके मन में क्रोध भी उत्पन्न होता है कि आखिर आपकी शादी ऐसा क्यों होता है, कष्ट परेशानियां आपको लगातार क्यों मिलती रहती है, क्यों आपका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। तो भगवान के लिए कभी कभी आपके मन में क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है। तो हम आपसे बस इतना कहना चाहती हैं कि दोस्तों, आपको भगवान के ऊपर से अपनी आस्था देखने नहीं देनी है। दोस्तों, आज नहीं तो कल आपको सब कुछ प्राप्त होगा और भगवान स्वयं आपको सब कुछ अपने हाथों से देंगे। हमने कई ऐसे उदाहरण अपने जीवन में देखे हैं कि एक लंबा अरसा जीवन का कष्ट परेशानियों में बीता, उसके बाद जब भाग्य की सौभाग्य की बरसात उनके ऊपर हुई, भगवान ने उनका हाथ पकड़ा तो फिर इतनी कामयाबी मिली कि लोग हक्के बक्के रह गए। जी हां दोस्तों, यही आपके साथ भी होने वाला है। आज नहीं तो कल आपको ईश्वर में विश्वास बनाए रखना है। तो अब बात करते हैं 3 बड़ी घटनाओं की जो इस नवरात्रि आपके जीवन में होगी और आपका जीवन बदलने वाली है। तो सबसे पहली घटना यह होगी कि आपकी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो असल में आपका सच्चा हमदर्द होगा, मार्गदर्शक होगा और आपसे सचमुच में प्रेम करने वाला होगा, जो दिल से यही चाहेगा कि आप कामयाब हों, आपकी दुख तकलीफ परेशानी जीवन के संपूर्ण कष्ट दूर हो, जिसमें भाई आपका मददगार होगा। जी हां दोस्तों, ये इंसान आप मान सकते हैं कि भगवान का भेजा हुआ दूध है या फिर एक माध्यम है जो भगवान ने आपके लिए चुना है। दोस्तों, याद रखें कि जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करता है, हृदय से भी शुद्ध और पवित्र होता है, तो भगवान उसकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन तभी भगवान साक्षात किसी के सामने प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि यह मानव की क्षमता से बाहर है कि वह भगवान के दर्शन इस शरीर से कर सके। तो इस वजह से भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाकर इंसान की मदद करने के लिए भेजते हैं। तो बस आपके साथ भी अब यही होने वाला है कि इस नवरात्रि में आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति की मुलाकात होगी जो आपका सच्चा हमदर्द होगा, आपका मार्गदर्शक होगा और आपको बहुत मदद करेगा। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी घटना के बारे में। दूसरी घटना यह है दोस्तों कि आपका कोई एक विवाद है जो लंबे समय से उलझा हुआ है, या फिर कोई कर्जा वगैरह है जो आपको मानसिक पीड़ा दे रहा है। अब यदि आपका कोई विवाद है तो वह सुलझ नहीं लगेगा, उसमें गति आ जाएगी। और यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा वगैरह है तो आप उस कर्ज को चुकाने के माध्यम से राष्ट्रीयत ही खुलने लगेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपकी जो उलझन है, जो मासिक मिला है, वह काफी हद तक कम हो जाएगी। अब तीसरी महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, और वह यह है कि आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। हम आपको बता दें कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहती हैं। आपकी राशि में कुछ इस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है कि आपके घर में स्वयं माता लक्ष्मी आना चाहती हैं। लेकिन इसके लिए थोड़े बहुत प्रयास आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी कोई लक्ष्मी से जुड़ा हुआ योग बनता है, चाहे वह गजलक्ष्मी हो, धन लक्ष्मी हो, किसी भी प्रकार का योग बनता है, तो उसी युग में जातक को सीधा सीधा लाभ तो प्राप्त होता है। लेकिन यदि जातक कुछ गलतियां कर जाए तो काला बहुत अधिक प्राप्त नहीं हो पाता है, यानी कि रुकावट उत्पन्न हो जाती है। और माता लक्ष्मी के ऐसी देवी हैं जिनको चंचला भी कहा जाता है, यानी कि यदि उन्होंने आपके पास आने का मन बना लिया और किसी बात की वजह से उनका मन बदल गया तो वह तुरंत रास्ता बदलकर कहीं और भी चली जाएगी। तो माता लक्ष्मी को आकर्षित करना, अपने घर में विराजमान कर पाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। इसके लिए कई प्रकार की शर्तें होती हैं माता की, जो आपको माननी पड़ती हैं, तो आपको भी उन शब्दों को मानना पड़ेगा, अन्यथा यह विशेष योग आपको कोई लाभ पहुंचा नहीं पाएगा। और यदि लाभ होगा भी तो आपको इसका कोई फायदा दिखाई नहीं देगा, यानी आंशिक लाभ ही होगा। तो अब इस योग का पूरा फायदा आपको कैसे पहुंचेगा? दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहला काम कि सुबह के समय अपने घर पर
यानी अपने दरवाजे पर साफ सफाई करें। घर का मुख्य दरवाजा खोलकर रखें और सिंचन करने के बाद गाय के घी का एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि हो सके तो गाय के गोबर से थोड़ा सा लीपन करने के बाद आटे और हल्दी से एक शौक पूरे, जिसमें आप अष्ट कमल बनाए जो माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है, और उस अष्ट कमल के बीच में आप गाय के घी का एक दीपक जलाया। आप अपने घर की मुख्य दहलीज के बीचों बीच यह कार्य करेंगे, आप देखेंगे आपके घर में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, दो तीन दिनों में ही इसका परिणाम आपको दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, याद रखो कि इस दीपावली से पहले आपके जीवन को बदलने के विशेष मौके प्राप्त हो रही है, आप इनका पूरा लाभ लेना है। आप किसी की बातों में नहीं आएंगे, भ्रम की स्थिति अपने दिमाग में उत्पन्न होने नहीं देंगे, और हम जो आपको बता रहे हैं उन उपायों को आपको निश्चित तौर पर करना है, अन्यथा यह मौका निकल गया तो फिर न जाने कब ऐसा अवसर, ऐसी ग्रह स्थितियां बनेंगी जो आपको लाभ देंगे। दोस्त, हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि आपको इन बातों को मानना ही होगा, अन्यथा बदलाव नहीं आएंगे। बस आपको इतना करना है, और एक और बात है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बेहद ही गुप्त उपाय। दोस्तों, बड़ी बड़ी व्यापारी उद्योगपति इस उपाय को करते हैं, कोई किसी को बताता नहीं है। दोस्तों, लोग बहुत मोटी रकम मांग करते हैं, फिर ऐसे बड़े बड़े उपाय बताते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए। जीवन ना बदल जाए तो फिर कहना तो आपको करना क्या है, जो रुपया पैसा आपके घर में आता है आप उसे कहीं तो रखते होंगे, कोई अलमारी होगी, कोई तो नहीं होगी, कोई बक्सा होगा, कुछ छोटा मोटा जेबा वगैरह होगा, आप उसमें रखते होंगे, तो अब उसी के संबंधित यह उपाय है। ध्यान से सुनिए, हम एक धन की पोटली बनाएंगे। धन की पोटली क्या होती है? धन की पोटली एक ऐसी सामग्री होती है जो कि माता लक्ष्मी की ऊर्जा तरंगें हैं, उन्हें बहुत ही शक्तिशाली तौर पर अपनी ओर आकर्षित करती है, या यूं कहें कि एक चुंबक के समान अपनी ओर। माता लक्ष्मी यदि आपकी ओर ना भी आना चाह रही होगी, तब भी वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, क्योंकि वह है ही माता लक्ष्मी। के सबसे प्रिय चीजों का एक समाविष्ट ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। धन की पोटली बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए। कपड़ा आपको डालेंगे पहले से प्रयोग ना, एक लाल रंग का चौकोर कपड़ा लेंगे, और उस कपड़े में आप जिस सामग्री को रखेंगे उसे आप ध्यान से सुनिए, हम आपको मात्रा भी बताते जाएंगे। सबसे पहले आप उस पोटली में 11 चावल के दाने रखेंगे। चावल के दाने हल्दी में डूबे हुए होने चाहिए। जब कोई चावल का दाना हल्दी में डूब जाता है तो वह अच्छा बन जाता है। अब इसमें आपको ध्यान ही रखना है, एक भी चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखेंगे। यदि आपके पास चांदी का चौकोर टुकड़ा नहीं है तो आप चांदी आशिक का भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद आप एक सुपारी रखेंगे, फिर इसके बाद आप इलायची का एक जोड़ा रखेंगे, और इसके बाद आप 7 लक्ष्मी कौड़िया रखेंगे और 7 कमल गट्टे रखेंगे। जी हां दोस्तों, यह आपकी धन की पोटली बन गई है। आप अब इसे लाल धागे से बांध लेंगे, पोटली नुमा ही आप इसे बांधेंगे, और आप अपने घर के धन संग्रह वाली स्थान पर इसे गुप्त रूप से रख देंगे। इसे रखने के लिए शुक्रवार का दिन सर्वोत्तम होता है, लेकिन अभी नवरात्रि खत्म हो चुका है, लेकिन दीपावली आ रहा है, तो इनमें आप किसी भी दिन इस प्रक्रिया को कर सकती हैं। याद रखें कि इस प्रक्रिया को आपको शाम के समय ही करना है, दिन में आप इसे ना करें, और इस प्रक्रिया के बारे में आप कभी भी किसी से किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे, यह बेहद ही गुप्त होगा। उपाय चाहे कोई भी हो, वह गुप्त जितना रहेगा उतना ही ज्यादा फलित होगा। दोस्तों याद रखें, जोग जुगत और मंत्र, उपाय वाले तबाही जब करे तो राहु, देहाती कहावतें दोस्तों। लेकिन इस कहावत का मतलब यही है कि जो भी योग आपके जीवन में बन रही है उनके बारे में कभी किसी से चर्चा ना करें, यानी कि आपको जो फायदा हो रहा है कहीं से उसके बारे में आप किसी से कोई चर्चा ना करें, और जुगत यानी कि आप कार्य करने की जो भी गतिविधि लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, उनके बारे में भी किसी को ना बताएं कि आपने क्या योजना बनाई है, इसके बारे में भी किसी को ना बताएं, और मंत्र यानी जो भी मंत्र आप याद कर रहे हैं इसके बारे में भी किसी को ना बताएं, और उपाय यानी कि आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए
किन उपायों को आजमा रहे हैं। इनको भी आप किसी को ना बताएं। इनका फल ही तब प्राप्त होता है जब इन्हें गुप्त रखा जाएगा। किसी से चर्चा की जाए तो बस इन बातों का आप ध्यान रखें। हम फिर से आपसे एक बात और कहेंगे कि पूरे भाव के साथ आप इन कार्यों को करें, इन उपायों को आजमाएं और निश्चित ही आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात कि आपको मानसिक शांति और आर्थिक शांति प्राप्त होगी, आपके कार्य समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इस दीपावली से पहले आपका जीवन बदल जाएगा। नवरात्रि के बाद आपका जीवन पहले की समान नहीं रहेगा। बस शर्त एक ही है कि आपको अपने मन का भाव सुंदर रखना है और ईश्वर में गहरी आस्था बनाकर रखनी है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि में शामिल नहीं होना है। दोस्तों, यदि आपकी राशि के जातक किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि में शामिल होंगे, नकारात्मक लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, आपकी तरक्की में बाधा आ जाएगी। जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग जुआ वगैरह खेलते हैं या फिर किसी अन्य प्रकार की नकारात्मक गतिविधि में शामिल रहते हैं, उनका इस जीवन में तरक्की का रास्ता कभी नहीं खुलेगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। आपकी राशि के जातकों का विशेष यही एक दुर्गम कह सकते हैं कि आपको सफलता ही तक प्राप्त होगी। जवाब सकारात्मक हो गए, आध्यात्मिक हो गया। दोस्तों, बस हमें आपसे एक बात और कहनी है कि आप अपनी सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि इस समय कुछ ऐसा आपकी स्थिति योग बन रहा है कि आपकी सेहत हो सकती है। कमर कमर के निचले हिस्से में आपको तकलीफ हो सकती है और पेट के इन्फेक्शन भी आपको परेशान कर सकते हैं। आज भी से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। योग, प्राणायाम, आध्यात्म आप अपने जीवन में शामिल करें। सुबह के वक्त जब आप सोकर जागे तो थोड़ी देर योग और प्राणायाम अवश्य करें। दोस्तों, यह आपको आध्यात्मिक भी बनाएगा, मानसिक शुद्धता भी देगा और आपकी तरक्की में एक सीढ़ी की तरह कार्य करेगा। यकीन मानिए, दोस्तों के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मन में यदि कोई भी प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरी भक्ति भाव के साथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जीवन आपका सुख और समृद्धि जब भर जाएगा अली ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।